स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके जो क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम है वो जो 2025 में होने वाला है, साइंस का तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया है मुस्कान मैम के थ्रू, पिछले ईयर्स फिजिक्स भी पढ़ाया गया, बायोलॉजी भी पढ़ाया गया। अगर आपका कमेंट होगा ना तो हम लोग फिर से एक क्रैश कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एकदम जो है ना हम लोग चलाएंगे और आपका पूरा का पूरा कंटेंट क्लियर कर। लेकिन कंटेंट से बेहतर होता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव बढ़िया हो गया ना तो 50% तो नंबर यहीं लेकर के पहुंच जाता है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास टेंथ के साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अब क्लास टेंथ के जो साइंस की बात आती है, जैसे क्लास टेंथ साइंस की बात आती है तो साइंस में तीन किताब है। पहला तो हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो गया बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन हम क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के पहले लेसन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या? केमिस्ट्री के पहले लेसन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नाम के चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन जा रहे हैं ना, इस वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को हल्का में मत लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना, सोचते हैं कि कंटेंट मैं पढ़ लिया हूँ और वहीं से कहीं अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कंटेंट से मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग एसेंस। कंटेंट पढ़ना और कंटेंट से ऑब्जेक्टिव निकालकर ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस करना, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मैटर करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो कंटेंट पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कंटेंट तो हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कंटेंट अच्छा से नहीं समझ पाते, नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा जीवन दान और एक अमृत के रूप में अगर साबित होता है ना तो वो होता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा 50% किरदार निभाता है। तो हम केमिस्ट्री में टोटल देखिए लेसन कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 लेसन है ना। लेकिन आपको क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, हम सिर्फ और सिर्फ लेसन 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस सारे ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण पर बात करेंगे। फिर अगला जो वीडियो आएगा वो धातु एवं अधातु का जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है वो बना करके मैं ऑब्जेक्टिव डाउन मतलब आपके बीच शेयर करूंगा। कार्बन एवं उसके यौगिक जो नाम का चैप्टर है, इससे भी जितना ऑब्जेक्टिव बन जाएगा उसे भी बना करके मैं शेयर करूंगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब हम तो एकदम रेगुलर हो चुके हैं और साइंस का तो बिल्कुल टेंशन ही खत्म। अगर आपको मन में ये शंका चल रही होगी कि पता नहीं ये ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आप पिछला वीडियो निकाल करके देख लीजिए। जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव कराए थे सिर्फ ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो ऑब्जेक्टिव बताया गया था उसी से प्रश्न आया था। क्यों? क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी बेस, सुनिएगा एनसीईआरटी बेस जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन प्रिंट करता है ना, जो आपकी प्रश्न पत्र पर जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो एनसीईआरटी बुक से, चाहे कंटेंट वाला प्रश्न हो चाहे ऑब्जेक्टिव वाला हो। ध्यान रखिएगा ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव बताया जाता है 100% लड़ता है डायरेक्ट, इसलिए अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, हम रासायनिक एवं अभिक्रिया नामक चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपके बीच शेयर करने वाला हूं। अब सुनिए, ये जितना भी वीडियो अपलोड होगा, मान के चले कि केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा तो हम फिजिक्स पर भिड़ेंगे, फिजिक्स के जितना चैप्टर होगा उसका सारे का चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव जो है ना आप सभी के भी शेयर करेंगे। फिर बायोलॉजी में जितना भी चैप्टर होगा पूरा चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड होगा और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है। कंटेंट पढ़ने का मन करे तो पिछला वीडियो जितना भी है आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, उसमें कंटेंट पूरा भरपूर भरा हुआ है, पूरा बढ़िया से हम एनालिसिस किए हुए। रिसेंटली अभी जो क्लास टेन साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी जाकर देख सकते हैं, पूरा केमिस्ट्री समाप्त है एकदम पूरा 100%। तो आप लोग उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम लोग अब सुनिए, अब जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का चाहे बायोलॉजी का, ये सबका ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो किस प्लेलिस्ट में जाएगा तो सुनिएगा, एक नया प्लेलिस्ट मैं क्रिएट किया हूँ। इस प्लेलिस्ट को आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं, क्लास टेंथ साइंस ऑब्जेक्टिव। क्यों साइंस ऑब्जेक्टिव के नाम से रखा हूं, क्योंकि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सब जो है ना ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज इसी में वीडियो डल जाएगा। सुनिएगा, क्लास टेंथ साइंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2025 के नाम से जो है ना प्लेलिस्ट बनेगा। प्लेलिस्ट ये आपका नया प्लेलिस्ट आपके बीच जो है ना
ये समझिए तो क्रिएट हुआ है, और इस प्लेलिस्ट में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव का भरमार वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग केमिस्ट्री के पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम के चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहला लेसन केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे कि इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है आपके पास वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है। यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या है और धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में फिट करते जाइए। पहला प्रश्न है दो या दो से अधिक परमाणु संयोग कर निर्माण करते हैं। अच्छा बताइए दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कभी भी परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। यानी परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? देखिए उत्पाद कहलाते हैं, मैंने बोला ना, और इसको प्रतिफल भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, चार नंबर, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? देखिए मान करके चलिए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये आपस में मिल करके MgO यानी बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। अगर मैं चाहता तो मैग्नीशियम का डायरेक्ट मैग्नीशियम लिखता, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये इतना जगह ले रहा है कि नहीं, लेकिन इसी का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसलिए कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछें कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर ये है कि प्राकृतिक प्रबल अम्ल कौन सा है? देखिए जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया जो प्रबल अम्ल है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। और जो मानव निर्मित है वो क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बात करते हैं अगला प्रश्न देखिएगा कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो है विलयन में से पृथक हुआ ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? मान के चलिए कि कोई विलयन है यानी कि कोई लिक्विड है और वहाँ से जो पृथक होता है उस माने पदार्थ को आप क्या कहते हैं? तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं और उस अवक्षेप को ठोस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है नौ नंबर, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें प्रतिफल से ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है? तो वह है ऊष्मा क्षेपी। यानी कि अगर आपसे पूछ दे दो नंबर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है कि दस नंबर, कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो ऊष्माशोषी में, देखिए ऊष्माशोषी में ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी ऊर्जा को कैप्चर किया जाता है, और ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को किस तरफ लिखा जाता है? सपोज मान करके चलिए Mg है प्लस O2 है और बना दिया क्या चीज़? MgO। तो मान के चलिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को, अब ये देखिए ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो किधर लिखा जा रहा है? तो बाईं ओर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को किस तरफ लिखा जाता है? तो यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी आंसर बाईं ओर, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस नोट्स को मैं आपको ऑलरेडी ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नहीं सेंड करूँगा। हालांकि वन लाइनर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके भविष्य को बदलने वाला है। आप इसे वन लाइनर जो है ना, आप अपने जो है ना मोबाइल को अपने कान के पास रख लीजिए, आराम से शांति से सुनिए, प्रत्येक क्वेश्चन को प्रत्येक आंसर को आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को किस ओर लिखा जाता है? तो भाई दाईं ओर लिखा जाता है। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बने उत्पाद होते हैं उसे किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा 13 नंबर, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? तो एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। यानी संयोजन अभिक्रिया में, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? एकल उत्पाद। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है संयोजन अभिक्रिया में, हाँ लेकिन देखिए अभिक्रिया भी
दो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, एक होता है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, एक होता है उसमें शोषी अभिक्रिया, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया। तो मतलब अभिक्रिया के कई प्रकार है, लेकिन यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का पूछ रहा है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 14 नंबर, जब एक बड़ा यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दें तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, सिंगल सिंगल तत्व भाग लेते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन में वियोग होता है, ठीक है ना। वियोग मतलब आप तो समझ ही रहे हैं कि जब दिल टूटता है तो दिल चकनाचूर हो जाता है। इन द सेम वे कि जब एक बहुत बड़ा यौगिक टूटता है तो वो क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता है। सपोज मान के चलिए कि CaCO3 एक बहुत बड़ा यौगिक है, टूटेगा तो क्या होगा, CaO+CO2 में बढ़ जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला करके एक बहुत बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए, विभक्त होने की यह घटना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए तो विभक्त होने की यह घटना क्या कहलाती है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा ज़रा कि 15 नंबर कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में, देखिए एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लेसन 1 से जितना ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस वीडियो में जो है ना अवेलेबल है। अब आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत ही नहीं, अगर ये आप देख लिए ना तो एक भी इस लेसन से ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। 15 नंबर देखिएगा, जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है वह अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए कि जब भी कभी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को, ठीक है ना, क्या करते हैं, मतलब कि मान करके चलो कि लात मार के हटा देते हैं, उसको लतिया के भगा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए हम लोग इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है ना कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान और साथ ही साथ मतलब दोनों तरफ ही यौगिक देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहिए चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, जैसे कि अभी ये थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था, तो विस्थापन कहिए चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, ये दोनों में दोनों बात सेम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ मान के चलिए कि तत्व होता है और एक तरफ मान के चलिए कि यौगिक होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है ना कि अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके, ठीक है ना, क्या करता है, जैसे मान के चले कि MgO बना देगा, MgH2O से अभिक्रिया करेगा तो MgO बना देगा प्लस H2 को विस्थापित कर देगा, यानी कि MgH2 से, ठीक है ना, कम अभिक्रियाशील धातु है, ताकतवर है, Mg जो है ना H2 की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए Mg क्या करेगा, H2 को लात मार के हटा देगा। तो ये हो गया क्या चीज़, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं आपको ट्रिक समझा दे रहा हूँ, जब भी कभी आपको मान के चलिए कि अभिक्रिया दे दे, बहुत सारे अभिक्रिया के उदाहरण दे दे और आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि बताएं निम्नलिखित में से कौन एक विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ध्यान में रखिएगा एक तरफ तत्व रहेगा, ठीक है ना, और एक तरफ यौगिक, ठीक है ना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और उससे बनने वाले उत्पाद जो भी अदरक लहसुन प्याज हो, बट एक तरफ तत्व रहेगा दूसरे तरफ यौगिक, तो समझ लेना यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन दोनों तरफ यौगिक रहेगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अगर दोनों तरफ यौगिक रहेंगे तो समझ लेना यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल क्या पूछ रहा है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों तरफ यौगिक है कि नहीं है, तो ये हो गया आपका। अगर इस तरीके के जब भी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाए, ठीक है ना, अगर चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको जरूर ऐसा दिखेगा कि दोनों तरफ क्या है, यौगिक है, अगर दोनों तरफ यौगिक दिखाई दे तो समझ लेना द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं बड़ा इत्मीनान से। 17 नंबर कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। अच्छा देखिए, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, जब भी कभी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो जब भी कभी किसी का असर को बेअसर कर दिया जाता है, मान करके चलिए इधर प्रबल अम्ल है इधर प्रबल क्षार है, ये दोनों आपस में लड़ गया तो क्या हो गया, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो यानी क्या बन गया, लवण तथा जल। और जब भी कभी अभिक्रिया के फलस्वरूप दो अभिकारक मिल करके लवण तथा जल का निर्माण करें, उस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं बल्कि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हो गया H2Cl2 यानी कि 2HCl, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ग्लूकोज का ये कार्बोहाइड्रेट का ये C6H12O6 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर क्या कर रहा है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं, देखिए इससे तो क्वेश्चन एकदम जरूर रहता है, नीला थोथा, हरा थोथा, उजला थोथा को क्या कहते हैं, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ देखिए 21 नंबर, थोथा का दूसरा नाम क्या है, थोथा का कशिश होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए देखिए हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है ना, आयरन सल्फेट होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा जरा 23 नंबर क्या कह रहा है, सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे एक नंबर का प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाता है। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र से जरूर पूछता है ये, जितना भी लाइन बाई लाइन से लिखे हैं ना, हम कह रहे हैं ना बाबू अगर इस लेसन से जितना जो ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं अगर आप इसको दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो CaOCl2 गोल का मुहा वाला, याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ग्लूकोज का दूसरा नाम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना स्टेटमेंट यही दे रहा था कि C6H12O11, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हाँ यही मैं समझा रहा था कि C6H12O6 ग्लूकोज का दूसरा नाम, ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, तो इसका हमने क्या बताया था, इसको कार्बोहाइड्रेट के भी नाम से जानते हैं। और यही 26 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने कहा। अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे, ठीक है ना। अब 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर क्या करें, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर क्या करें, वाशिंग सोडा या धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वाशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है ना। तो वाशिंग सोडा या धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस TnH2O, और TnH2O से यानी 10 बाल्टी पानी से आप याद रखिएगा कि कौन धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। अब याद कीजिएगा यहाँ पर, अब आगे क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ देता है भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, CaSO4H2O, ठीक है ना। और जब जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछें तो इसमें क्या करना है, मान के चलिए कि हाफ है तो डेढ़ मिला दीजिए तो दो हो जाएगा, तो CaSO4 2H2O, तो 2H2O वाला क्या है, देखिए CaSO4 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर हाफ H2O है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, अगर 2H2O है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बतिया तो समझ में आ ही गया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा, ये कोई कष्ट देने वाला सोडा नहीं है, ये आपके पेट को राहत देने वाला सोडा है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ देता है, ठीक है। अब आइए 32 नंबर, प्राकृतिक प्रबल क्षार क्या है, तो भाई कास्टिक सोडा, इसको क्या कहते हैं, NaOH। जैसे कि आप ध्यान से सुनिए, मैंने जब आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें पूछा था कि प्राकृतिक प्रबल अम्ल क्या है, तो प्रबल अम्ल क्या था, HCl, जो हमारे पेट के अंदर, ठीक है ना, हमारे आमाशय में मौजूद HCl जो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को पूरी तरीके से ध्वस्त और नष्ट करता है, ठीक है ना। तो ज़रा सोचिए कि ये हो गया प्राकृतिक प्रबल अम्ल और मानव निर्मित H2SO4। यहाँ पर देखिएगा कि जो प्राकृतिक प्रबल क्षार है वो NaOH है, और प्राकृतिक, ठीक है ना, प्राकृतिक हो गया प्रबल क्षार NaOH, लेकिन मानव निर्मित क्या होगा, तो MgOH2, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ क्या, सुनिएगा ध्यान से, जब भी कभी अधातु अधातु के बीच आपसी संयोजन से जो अणु या यौगिक का निर्माण होता है, समझिएगा ये अणु ही बनता है, लेकिन जो अणु का निर्माण होता है ना बाबू, एक बात याद रखिएगा, उससे बनने वाला जो भी पदार्थ होता है ना, उसका जो नेचर होता है ना, उसका टेस्ट जो होता है ना, वो अधातु अधातु से मिलकर बनने वाले जो भी अधात्विक यौगिक होते हैं ना, वो पूरी तरीके से अम्लीय होते हैं, और एक तरफ ऐसा कंपाउंड जो उसमें धातु की मात्रा हो तो वो टेस्ट में क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से क्षारीय, पूरी तरीके से चाहे कम तरीके से, मतलब क्षारीय होते हैं। तो जो ध्यान रखिएगा, जो अधातु अधातु से मिलकर के बने होते हैं वो उसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है, और जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर के बने होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। अब आइए
तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रबल क्षार तो NaOH हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, सिंदूर का रासायनिक सूत्र पूछ देता है HGS, इसको याद कैसे करेंगे, जैसे नहीं कहा जाता है एजी सुनी ना सिंदूरवा लगा दी, मतलब कि एजी सुनी ना, तो एजी से एजी याद आ जाएगा सिंदूर का रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, चूना जल, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा CaOH2, ठीक है ना, या बुझा हुआ चूना का भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको बता दें कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो, ठीक है ना, या चूना पत्थर का, ये बतिया एक ही है CaCO3, और आपको बता दें कि बिना बुझा हुआ कहिए चाहे कली चूना कहिए उसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, और भाखरा चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2 या बुझा हुआ चूना को कहिए, ये बिना बुझा हुआ था, ये बुझा हुआ था, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर, मानव निर्मित प्रबल अम्ल क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने लेक्चर में यही बता रहा था कि मानव निर्मित जो प्रबल अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, और जो प्राकृतिक होता है वो HCl होता है, बस ये दिमाग में रखते चलिए। 39 नंबर प्रश्न क्या करा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4, बहुत इत्मीनान से सुनते चलिए। 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, मानव निर्मित प्रबल क्षार क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अरे मेरे भाई MgOH2, ठीक है ना, बतिया वहीं है, बस थोड़ा सा वर्ड को घुमा दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहिए, अच्छा MgOH2 कहिए, ठीक है ना। अब यहाँ जो अगला प्रश्न है वो भी काफ़ी खास प्रश्न है, जैसे कि अगला प्रश्न कह रहा है 42 नंबर कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाता है, तो देखिए जिस पदार्थ का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है कहलाता है ऑक्सीकृत, ठीक है ना, ऑक्सीकृत कहलाता है। अब देखिए कैसे, जैसे कि मान के चलिए H2+O2 को अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा H2O। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, H जो है ना H2 के साथ ऑक्सीजन का जोड़ना, बाकी सबका निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ H2O में जाकर के क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, तो H2 पदार्थ का क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ। तो यहाँ से अगर आपका प्रश्न पूछता है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत पदार्थ कहलाता है, तो यहाँ पर इसके लिए सॉरी कि यहाँ पर अवकारक लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 43 नंबर, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, देखिए वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया, ये भी काफ़ी खास प्रश्न है, स्पेशल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए जिस पदार्थ का अवकरण होता है क्या कहलाता है, तो देखिए जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो अवकृत पदार्थ कहलाता है, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया है इसलिए इसके लिए सॉरी, जिस पदार्थ का अवकरण होता है, यानी सपोज मान के चलिए कि फिर H2+O2 का उदाहरण ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए H2O, यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण एक प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस के माध्यम से H2 पदार्थ क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, एक प्रोसेस अवकरण के माध्यम से ऑक्सीजन एक पीस गायब हो गया, यानी यहाँ पर दो पीस था तो यहाँ पर एक ही पीस हुआ, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, ज़रा बताइए क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर ये अवकरण की घटना हुआ, अर्थात ये अवकृत पदार्थ हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अवकृत यानी जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो अवकृत पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना, तो ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले किस वस्तु से उसकी ऊपरी सतह साफ किया जाता है, तो भाई रेगमाल से किया जाता है। भाई अब आपको सर थोड़ा सा रेगमाल को बढ़िया से समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा दूँ एकदम भोजपुरी खांटी देहाती भाषा में, जैसे कि आप लोग घर में जो मान के चलिए कि लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को जब आप घर में लगाते हो तो मान करके चलिए कि जब उसको प्राइमर चढ़ाना होता है ना, तो प्राइमर चढ़ाने से पहले क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जा करके और किसी मान करके चलिए कि स्टोर से ख़रीद कर लाते हैं सीरीज कागज़। आप सीरीज कागज़ का नाम सुने होंगे, हम लोग कहते हैं तनी लोहा पर मारे वाला सीरीज कागज़ दे दिया, तो वो क्या करता है, लोहा पर मारने वाला सीरीज कागज़ देता है, ठीक है ना। मान करके चलिए कि लकड़ी का दरवाज़ा या पाला लगा हुआ है तो उस पर भी मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कागज़ लेकर के आते हैं और जाकर कहते हैं लकड़ी पर मारने वाला सीरीज कागज़ कोई दे दीजिए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि लकड़ी पर मारने वाला सीरीज कागज़ दीजिए, तो वो क्या करता है, हार्डवेयर वाला लकड़ी पर मारने वाला सीरीज कागज़ देता है, यानी कि जो कागज़ के ऊपर छोटा छोटा बालू के आकार का जो मतलब जो कण चिपकाया रहता है ना वो एक सीरीज कागज़ होता है, उसी तरीके से रेगमाल होता है, मतलब उसी को रेगमाल ही कहते हैं, ठीक है ना। तो मान करके चलिए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ़ किया जाता है रेगमाल से, क्यों किया जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर बहुत ही अच्छे ढंग से जल सके। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है,
तो मैंने थोड़ी देर पहले यही बता रहा था, एकल विस्थापन कहिए चाहे विस्थापन अभिक्रिया करिए, यानी कि एक तरफ तत्व रहेगा दूसरे तरफ यौगिक रहेगा, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में अगर एक तरफ तत्व रहे और दूसरे तरफ यौगिक रहे तो उससे बनने वाले उत्पाद पर ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले एक तरफ तत्व है और दूसरे तरफ यौगिक, तो समझ लेना अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में ही देखना है कि एक तरफ तत्व और दूसरे तरफ यौगिक है, तो समझ लेना कि एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए मानव शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो भाई अपघटन, यानी भोजन जाकर के टूट जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, डैट इज़ कॉल्ड वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 48 नंबर, श्वसन एक प्रकार की है क्या चीज़ उष्माक्षेपी, क्योंकि श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं ऊर्जा के रूप में उष्मा निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं बाबू, यहाँ पर देखिए 49 नंबर, किसी भी पदार्थ को जलने में किस गैस की आवश्यकता होती है, भाई ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर कोई भी पदार्थ जलेगा ही नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए चाहे वो लो इग्निशन टेम्परेचर का हो चाहे हाई इग्निशन टेम्परेचर का, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा उस पदार्थ को कोई नहीं जला सकता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। अगला जो प्रश्न है वो आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे दहन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपके प्रश्न जितने भी थे ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास थे। अब आपको भले ही ये हल्का लग रहा हो, बहुत ही आसान लग रहा हो, तो मैं यही समझूंगा कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी किए हों, या अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो बस मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को बार बार जो है ना अपने कान के पास मोबाइल रख करके और बस मेरी आवाज़ को, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ ना, बस उस आवाज़ को सुनिए, बस पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं बताऊँ कि जितना मेहनत और मुशक्कत के बाद लेसन वन से जितना ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला था बाबू, पता है प्रत्येक लाइन से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को मैं तैयार कर दिया हूँ, तो इस बात पर, इस लेक्चर पर तो कम से कम लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो ज़रूर जो है ना आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना भी हम क्वेश्चन बनाए हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं, ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगा होगा, तो दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्लास टेंथ वाले विद्यार्थी होते कैसे हैं कि मतलब वीडियो देख लेते हैं लेकिन दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब मेरे से ज़्यादा उसका नंबर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि वो भी आपका दोस्त इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।